poster of the Red Chillies. The first look of the first Red Chillies of M2M Studio is Yin Sen Yang. मुंबई बहुत दूर लगती है। आज मुंबई ऐसा लगता है बस चंडीगढ़ से खोला और मुंबई पहुंच गया। तो हम लोगों ने जब भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई नाम आता है तो कुछ गलत धारणाएं लोगों के मन में आ जाती है, इसलिए हम लोग कुछ ऐसे कंटेंट्स लेकर आ रहे हैं जो सारी फैमिली देख सके, अच्छे कंटेंट्स हो और ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लोग रुचि लें। और कोशिश करेंगे कि जितने भी न्यू कमर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको मौका दिया जाए, ठीक है। और यही मनन मीडिया का एक उद्देश्य है, कॉमन पीट तौर का, कि भाई फ्रेशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। और कोशिश है हमारी एक साल के अंदर 100 बच्चों को लॉन्च करें हम लोग, वीडियो सॉन्ग्स हो, आइदर मूवीज हों, वेब सीरीज हों या शॉर्ट सीरीज हों, ठीक है। और फिर से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ पे आए, थैंक यू वेरी मच। पहले अमन जी और मैडम का धन्यवाद कहूँगा और साथ ही में परविंदर सर, हमारे नद्दू जी और यंसनेंस की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया। इसके अंदर जो है हमने जो चाहा था बालाजी एंड एम्पायर ने जो एक सपना सजाया था कि हम ओटीटी का जो एक अलग जरिया दिखाया लोगों को, जो लोगों के बारे में जो सोचती ओटीटी के बारे में कि विगत सर दिखाया जाता है, बल्कि अमनजीत कौर मैडम के कहने के मुताबिक मैंने और मंदिर जी ने जो हमने आज वेब सीरीज जितनी भी बनाई है वन बाई वन हम आपके सामने प्रदर्शित करते जाएंगे। उसमें से पहली है यंग्स एंड यंग्स, जिसके अंदर हम पूरी फैमिली एक साथ देख सके और हमारी टीम का मोटिवेट रहेगा कि नए डायरेक्टर्स, नए प्रोड्यूसर्स, नए राइटर्स, ईच एंड एवरी न्यू कमर्स हमारी टीम के साथ ज्वाइंट हो और आगे बढ़े। हम पूरा उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए हमारी आशा रखते हैं। और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर्स मिस्टर तरुण जी इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी आपको जानकारी देंगे। मुझे लगता है सबसे पहले आपको प्रोड्यूसर्स ने आपको प्रोड्यूसर जो है उनसे बात करनी चाहिए, बिकॉज शी वॉज लीडिंग मैम थी और आप थे, तो मुझे लगता है मैंने आपसे बात करनी चाहिए। तरुण जी के दिमाग में जो कि इस सीरीज के राइटर और डायरेक्टर है और मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं। इट्स बीन ऑलमोस्ट 13 to 14 इयर्स वी आर फ्रेंड्स एंड ये दोस्ती हमने काफ़ी सारे इसमें क्रिएटिविटी लाते हुए यहाँ तक एडवर्टाइजमेंट्स, कैंपेन्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड फाइनली ऑन ओटीटी एज अ डेब्यू प्रोजेक्ट, मी एज अ प्रोड्यूसर, एज अ को प्रोड्यूसर, तरुण एज अ डायरेक्टर एंड राइटर, आई कुड हार्डली इन फैक्ट extend my heartiest wishes to Mr. Palwinder Singh sir of Balaji Media Films Private Limited, Mr. Ashwin Panchal sir of M2M Studio OTV, Mr. Saman Preet Kaur, producer of this series, and one and all my team. Talking about the series, I have a wonderful crew, lovely supportive crew, wonderful cast of 16 to 18 artists. This is a murder mystery और अगर मैं आपको बताऊँ एक खास चीज सबसे ज़्यादा मैंने बताऊँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारे डायरेक्टर भी इससे बात करें। This is a one location shoot series. ये पूरा सीरीज एक ही लोकेशन पे शूट हुआ है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा एक थ्रिल रहेगा आपने भी ये थ्रिलर मिस्ट्री देखने में। So I thank you, I extend my
सो एक्चुअली ये जर्नी थोड़ी अजीब ही शुरू हुई थी. एक दिन मैं लिख रहा था, कुछ दिमाग में थॉट आया, मैं इनके पास गया और मैंने इनको बताया कि इस पर कुछ बना सकते हैं, राइट. उसी बात में ओके बनाते हैं इस पर. हमारे किसी दोस्त के थ्रू हम मिले थे फिर पांचा साहब के पास गए, उन्होंने वो प्रोडक्ट बना, फिर वो लेके गया बना सकते, फिर उन्होंने प्रोजेक्ट पढ़ा, उनके साथ साथ प्रोजेक्ट पढ़ा. लेकिन एक बात मुझे तभी समझ में आ गई थी जब, क्योंकि ये पूरे चेन में किसी ने भी वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं किया, सो आई वाज श्योर ये मुझे अच्छा लगा. एंड वो था सच में सपोर्ट था. एक फिल्म आप जब देखते हैं, वेब सीरीज, एक एड, एक छोटा वन मिनट का कोई यूट्यूबर या कोई इंस्टाग्रामर में कंटेंट क्रिएट करता है ना, उसके पीछे टीम होती है, एडिटर होता है, डायरेक्टर होता है, राइटर होता है, एक्टर होता है, काफ़ी सारी चीज़ें एलिमेंट्स होती है उसमें. एक अकेला आदमी जनरली ऐसा होता है कि हाँ यही तो डायरेक्टर है तो सारा क्रेडिट उसे जाता है, मैं नहीं चाहता ये पूरी टीम अगर नहीं होती तो ये प्रोडक्ट नहीं होता. मैं अकेला क्रेडिट ले ही नहीं सकता इस चीज़ का, क्योंकि वो मेरे इन सब लोगों से उनका गाइडेंस आया, इन सब लोगों से जो मुझे फ्रीडम मिला काम करने का. सुनीता ऑलवेज सपोर्टिव, लाइक यू सेड 14 इयर्स, हम 14 साल से हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हम तब से साथ में काम करें, आज भी साथ में आगे भी साथ में काम करें, बिल्कुल. सो इनफैक्ट माय एक्टर्स आर हियर, इतने सपोर्टिव एक्टर्स मेरे सेट पे थे कि हम लोग लाइक पहले दिन हम लोग को ये ऐसे कि हाँ चलो दोस्त है या उससे दोस्त भी नहीं थे, फिर नेचर में किसी को जानता था. लेकिन जब लास्ट डे था ना सेट का, तब हम फैमिली की तरह निकलते थे, हम वहाँ हमारे स्पॉट का था, वो हम कोई भी हो, सरिता जी हो, कोई भी सेट पे हम सब साथ बैठ के कर रहे हैं, सो एक फैमिली जैसा बन गया था. आई एक्सपेक्ट कि हम लोग ऐसे ही काम करते रहे आगे चल के, क्योंकि ऐसे ही आप जैसे सपोर्टिव या आप ही मुझे एक्टर्स मिले, पूरा क्रू मिले. And of course, my DOP, Suraj, where are you? Yeah, you are there. Amazing guy, बहुत understanding है, बहुत अच्छा विचार बन गया. जबकि उसका भी एक OTT के हिसाब से, DOP के हिसाब से, he is also advertiser, जैसे हम, उसका भी debut है. So, congratulations, Suraj. He's been very good friend of mine. He's been very supportive person. He's very understanding guy. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें कहीं से मिला है तो पाटिल साहब, बलविंदर साहब और कॉर्नर, लाइक उनके जितना सपोर्ट, फ्रीडम हमें हमारे सेट्स पे, कोई सवाल नहीं. कैसे कभी ऐसा नहीं होता कि आपका एक कोई प्रोजेक्ट में प्रोड्यूसर है तो आपको सवाल नहीं आया, हमें कोई सवाल नहीं आया, हमने कोई जवाब नहीं, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, हमें पसंद आया, बात करें, हमें सिर्फ और सिर्फ उनसे कुछ मिला है तो हमें गुड विशेस मिली. तो मुझे, मैं शायद दिन भर बोल सकता हूँ उनके बारे में, तो मैं भी बंद कर देता हूँ. थैंक यू सो मच. प्रेरणा स्तर और हमारे मुख्य दत्तू जी आपसे कुछ दो बात कहेंगे. सिर्फ 23 साल के हैं और उन्होंने भी एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर
भरोसा किया, भले हमारा एक्सपीरियंस था पर ओटीटी का तो पहली बार था और हम शुक्रगुजार रहते हैं दिल से। थैंक यू। आई वुड लाइक टू कॉल शिल्प ऑन द स्टेज, प्लीज कम। वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पर्सन का नाम सेट having done his debut in Indian Sanyas with you, Chandra. दो लाइन कहने को कहा गया है। थैंक यू सो मच, इन्होंने मुझे 7-7 जवान बताया, इट्स नॉट 40-47। सो थैंक यू सो मच इस सुबह में मुझे बता देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को नाम भी नहीं दूंगा। एक लाइन कहना चाहता सब सब सब। अरे क्या बिना मैच को बोलिया उनकी सोच में और हमारी सोच में बहुत सारा फर्क है। अमनजीत कौर मैडम का जो सोच है वो सबसे हटके और जल्द से जल्द आपको बालाजी मीडिया को प्राइवेट क्या मैसेज देना चाहती है, एक वुमेन्स पावर बनाना चाहती है, वो जल्द हम एम्प्लॉयमेंट स्टूडियो ओटीटी के जरिए आप सभी के सामने प्रदर्शित करेंगे। कब तक ये रिलीज हो जाएगा M2M ओटीटी जो है? ओटीटी ऑलरेडी ऑन एयर है, आज उसका ऑफिशियली हमने के सामने लॉन्चिंग कर दिया है, ऑन एयर हो चुका है 15 दिन पहले ही, टेस्टिंग हमारा हो चुका था। ओके, थैंक यू।